नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ श्यावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 4 चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को होगी वोटिंग। 2 मई को होगी वोटों की गिनती। यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैवियट अर्जी दाखिल की। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश को दी गई है चुनौती। गोरखपुर शहीद अशफाक अल्लाह खान प्राणी उद्यान चिड़ियाघर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 मार्च को लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री चिड़ियाघर के प्रवेश द्वार पर रिमोट से उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गोल्फ कार में सवार होकर चिड़ियाघर की सैर करेंगे। उनके साथ वन मंत्री दारा सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए भीड़ कम करने का प्रयास। फिर भी 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई। उद्घाटन के बाद चिड़ियाघर में आने वालों को प्रवेश दिया जाएगा। कानपुर और वाराणसी में लागू हुआ कमिश्नरेट सिस्टम। असीम अरुण और कानपुर की जिम्मेदारी। ए सतीश गणेश को वाराणसी का कार्यभार। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई। एलजीए ने 39 इंजीनियरों का कार्यक्षेत्र बदला। शिकायत मिलने पर एक्सीएन सहायक अभियंता अवर अभियंता की बदली जिम्मेदारी। जालन के उरई कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद में दो गुटों में मारपीट हो गई। दोनों पक्ष के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में एक युवा गंभीर रूप से घायल। फरुखाबाद के थाना क्षेत्र नवाबगंज में खेत में रखवाली करने गए व्यक्ति का शव बरामद। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में मॉडल से हुई दुष्कर्म की वारदात। सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में आई थी युवती। पीड़िता की साथी के साथ पहले भी हो चुकी है दुष्कर्म की घटना। बड़ी कंपनियों में शूट कराने का झांसा देकर हुई वारदात। झांसा देकर आरोपी ने गेस्ट हाउस बुलाकर किया दुष्कर्म। पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर की पुलिस से शिकायत। सुल्तानपुर में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की बड़ी वारदात सामने आई। सूचना पर हरकत में आई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया। लखनऊ में तेज रफ्तार रोडवेज बस के नीचे आया साइकिल सवार। राहगीरों ने बस में की तोड़फोड़ की कोशिश। कंडक्टर बीच सड़क पर बस छोड़कर हुआ फरार। प्रतापगढ़ के माथांता कोतवाली में गैस लीक होने से चाय की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। दुकानदार ने दुकान से कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के दौरान फटा सिलेंडर। हजारों का सामान पूरी तरह से जलकर हुआ। कानपुर में कल्याणपुर पुलिस ने चोरी के मामले में नहीं दर्ज किया केस। 2 दिन पहले दुकान से लाखों की हुई थी चोरी। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। शाहजहांपुर में होली को लेकर प्रशासन ने 40 मस्जिदों को ढका। सुरक्षा के लिए मस्जिद के बाहर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। जूतामार होली खेल कर निकाले जाते हैं लॉर्ड साहब के 2 जुलूस। श्रावस्तिका थाने कोना में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के कब्जे से 2 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया। आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। खंडहर मकान में चल रही थी तमंचे बनाने की फैक्ट्री। पुलिस ने मौके से काफी मात्रा में बने अधबने तमंचे बरामद किए। पंचायत चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कामयाबी। पुलिस को देखकर बदमाश हुए फरार। शाहजहांपुर के थाना तिलर इलाके में बिहार जा रही मिनी बस पलटी। 2 प्रवासियों की मौत। 1 दर्जन लोग घायल हो गए। 3 मिनी बसों से घर वापस लौट रहे थे प्रवासी मजदूर। होली पर घर जाने के लिए लौट रहे थे प्रवासी मजदूर। बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं घायल। कानपुर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में बस और ऑटो की आमने सामने जोरदार भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 5 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती।
उन्नाव में अनियंत्रित होकर रोडवेज बस पलटी। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया रेस्क्यू। हादसे में 10 से ज्यादा लोग हुए घायल। हरदोई में नाले में गिरकर 2 साल के मासूम की मौत। रेस्क्यू कर नाले से बरामद किया गया शव। परिजनों ने नगर निगम पर लापरवाही का लगाया आरोप। फिरोजाबाद के बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई। बस में सवार 4 यात्री घायल हो गए। पीछे से वॉल्वो बस में टैंकर ने मारी टक्कर। सड़क पर भूसा लेकर जा रही ऊंट गाड़ी के ऊपर ट्रक ट्रोला चढ़ गई, जिससे ऊंट गाड़ी टूट गई, जिसमें ऊंट और चालक घायल हो गए। इसी हादसे में एक ऑटो भी चपेट में आ गया। ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस हादसे में 5 वाहन चपेट में आए और 4 लोग घायल हो गए। जालौन में दबंगों ने युवक की बेरहमी से की पिटाई। समर सेबिल पंप के स्टारर चोरी के शक में की गई पिटाई। युवक के साथ हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। जालौन में गाड़ी खड़ी करने को लेकर युवकों में विवाद हो गया। दबंगों ने जमकर की 2 युवकों के साथ मारपीट। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। गाजियाबाद में बदमाशों ने घर में मौजूद महिला और बच्चों को बंधक बनाया। 11 साल के बच्चे ने बदमाशों से जमकर मुकाबला किया। कड़ी मशक्कत के बाद बदमाशों ने बच्चे को कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने घर में रखी लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। गुंडा में तेज रफ्तार का दिखा कहर। आमने सामने आपस में टकराए 2 सवार। घटना में घायल हुए दोनों बाइक सवार। गंभीर रूप से घायल एक बाइक सवार को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूरी घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। लखनऊ में पारा थाना इलाके में मामूली बात पर 2 पक्षों में हुआ विवाद। विवाद में चले दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवरिया में रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में तैनात सिपाही ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बहराइच के खैरीघाट इलाके में मां बेटी पर तेंदुए ने किया हमला। तेंदुए के हमले में मां बेटी बुरी तरह से घायल। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीलीभीत में टाइगर ने दरवाजे पर खेल रहे 2 8 साल के बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया। गेहूं के खेत से निकलकर तेंदुए ने दोनों बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों बच्चे गंभीर घायल हो गए। और एक लड़के को तेंदुए ने गेहूं के ही खेत में खींच ले गया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने काफी हंगामा काटा, जिसके बाद तेंदुआ दूसरे बच्चे को भी छोड़कर भाग गया। गड़नवाड़ा वेस्ट में बिल्डर के पूर्व एम्प्लॉई ने दबंगों के साथ मिलकर ऑफिस पर जबरन ताला तोड़कर कब्जा किया। बिल्डर को दी जान संभालने की धमकी। घटना की सूचना और ताला तोड़कर कब्जा करने का वीडियो पुलिस को दिए जाने के बावजूद पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। कुर्सी गंवाने पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का फिर छलका दर्द। कहा, अभिमन्यु के वध पर नहीं रोई थी मां द्रौपदी। कौरवों का अत्याचार कल भी था, आज भी है। राजनीति में होता रहता है छल। कोरोना संक्रमित पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बिगड़ी तबियत। हरीश रावत दिल्ली एम्स में भर्ती। परिवार के 4 सदस्यों के साथ पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव। रामनगर में प्रीति प्रियदर्शिनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देशानुसार आगामी त्योहारों को लेकर आपसी सौहार्द शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर शांति एवं अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। कोतवाली रामनगर में गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। सभी को निर्देशित किया गया कि होली रंगों का पर्व है, आपसी भाईचारे के साथ होली पर्व मनाएं। सभी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तथा आपस में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। होली के त्योहार के मद्देनजर मिलावटखोरों के खिलाफ रामनगर में प्रशासन, नगरपालिका, खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छापे मारे।
बाजार में छापेमारी की सूचना से हड़कंप मच गया। कई दुकानदार दुकानों को बंद करके फरार हो गए। इस दौरान टीम ने कई दुकानों में मिठाई की गुणवत्ता को चेक कराया। पौड़ी में लेंसडाउन के जंगलों में लगी भीषण आग। आग से एक गांव में मचा अफरा तफरी का माहौल। ग्रामीणों ने जानवरों को बचाया। आग से गौशाला जलकर हुआ खाक। काशीपुर में कृषि उत्पादन मंडी समिति प्रशासन पर स्थानीय व्यापारियों ने दुकानों के आवंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए मंडी चेयरमैन से न्याय की गुहार लगाई। हरिद्वार कुंभनगरी में मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को भरपेट भोजन कराने का जिम्मा पालमपुर हिमाचल प्रदेश के रहने वाले राकेश विज ने की। राकेश विज कुंभ नगरी में अपने स्वर्गीय माता पिता की याद में तीन जगह पर निःशुल्क भंडारे का आयोजन किया था। महाराष्ट्र सरकार आशा भोसले को 2020 का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड देगी। गुरुवार को महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में पुरस्कार समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दिया मिर्जा पिछले महीने ही बिजनेसमैन वैभव रेखी के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। अब वह पति वैभव रेखी के साथ हनीमून के लिए मालदीव पहुंची है। दिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की तस्वीर। अनुष्का शर्मा ने अपने पिता का 60वां जन्म दिवस सेलिब्रेट किया। सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए अनुष्का ने अपने पिता को बर्थडे विश किया। महज 300 रुपए से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले प्रकाश राज आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि बॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग से अलग छाप छोड़ी है। बॉलीवुड के कई सेलेब्स कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अब मिलिंद सोमन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गुरुवार शाम ट्वीट कर मिलिंद सोमन ने खुद संक्रमित होने की जानकारी दी। नमाज को रणवीर कपूर के कोरोना संक्रमित हो गए थे। रणवीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक तस्वीर साझा की जिसमें रणवीर बैठे हुए नजर आ रहे। तो वहीं रणधीर कपूर ने कहा कि रणवीर अब पूरी तरह स्वस्थ है। जीएनसीटीडी बिल बुधवार को राज्यसभा से पास कर दिया गया है जिस पर स्वरा भास्कर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वरा ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने एलजी अनिल बैजल को वोट नहीं दिया। स्वरा का ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है। जावेद अख्तर मानहानिया मामले में कंगना रनौत के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ था जिसे रद्द करवाने के लिए कंगना ने कोर्ट का रुख किया और अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने उन्हें जमानत दे दी है। कंगना रनौत को बड़ी जमानत। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की मुसीबत लगातार बढ़ती नजर आ रही है। फिल्म का टीजर आने के बाद से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। मानहानि के मामले में मुंबई की कोर्ट ने फिल्म की लीडिंग लेडी आलिया भट्ट और लेखक को तलब किया। अनिल कपूर ने अपनी पत्नी सुनीता कपूर के जन्मदिन पर उन्हें एक गिफ्ट दिया है। अनिल ने सुनीता के 56वें जन्मदिन पर एक ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार गिफ्ट किया। गाड़ी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।